के भंडारण और राशन वितरण के आपात आदेश जारी। श्रीनगर पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में लगातार बढ़ते तनाव, अलगाववादियों की गिरफ्तारी और सोमवार को होने जा रही अनुच्छेद 35A पर सुनवाई के बीच कश्मीर आसमान में विमानों की उड़ानें और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दवाओं के भंडारण और राशन वितरण के आपात आदेश जारी होने के बाद कश्मीर में किसी बड़ी कार्रवाई से पहले की तैयारियों को हवा दे दी है। दिन भर कश्मीर में अनुच्छेद 35A को भंग करने और पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान की खबर चलती रही। इस बीच मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने सभी जिला उपायुक्त और सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में कश्मीर में राशन, ईंधन, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता को जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि कहीं भी राशन, दवाई और या फिर ईंधन का अभाव न हो, इसके साथ ही कहा गया है कि रविवार को भी राशन दुकान खुले रखे जाएंगे ताकि आप लोगों को राशन खरीद सके। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल